So guys, today we are here to have a review on a movie which is based on sign language. And if you're talking about sign language, which movie comes to our mind? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये मूवी कोई और नहीं बल्कि A Quiet Place ही है। A movie which was released in 2018 and the sequel is on its way. So दोस्तों, जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी उनको मैं ये बता दूं कि कृपया करके इसके नाम पे ना जाए। जितनी क्वाइट दिखती है अगर उतनी क्वाइट होती तो आज मैं रिव्यू करने के लिए पैसे ले रही होती। पता हराम ही हो बेटा। So the first word about this movie is, क्या बवाल मचा दिया भाई। This movie already gave us a sign कि 2020 में दीदी यमराज खड़े होंगे आके सामने आपके। बात करें इस फिल्म के जॉनर की तो इट्स अ साइफाई हॉरर फिल्म। बेसिकली दिस मूवी शोज द पीरियड ऑफ 2020। भैया इन्होंने तो डार्क जैसा लूपहोल ही यूज कर लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। सो दिस मूवी स्टार्ट्स व्हेन अ मिस्टीरियस सुपरनैचुरल क्रिएचर लैंडिंग ऑन अर्थ डिस्ट्रॉइंग द होल ह्यूमन पॉपुलेशन। ओनली फ्यू ऑफ देम लिव एंड द only weakness this creature has it is that he is blind. So bhaiya agar aapne galti se bhi inke samne hawa bhi chhod di na to samjho kya khel khatam. So the story of the family starts after 89 days of attack. जब इस पूरी फैमिली को ये पता चलता है कि इस विलन की वीकनेस ये है कि ये अंधा है तो इनकी मेंटोस की बत्ती जलती है एंड इनको एक आइडिया आता है कि अब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट साइन लैंग्वेज में करेंगे। Basically, the whole movie is all about the survival of the family from this creature. बाकी हम आपको spoilers नहीं देना चाहते। अगर हमने spoilers दे दिया, movie क्यों देखेंगे फिर आप? सही पकड़े हैं। So, keeping it hidden, बढ़ते हैं casting की ओर। तो भैया, casting तो इन्होंने बिल्कुल अर्जुन के निशाने की तरह एकदम point पे की है। Film के lead role में है John Krasinski, Lee Abbott, जो बने हैं father. Emily Blunt, the Adeline Abbott, जो बनी है मदर। Millicent Simon, Regan Abbott as a daughter, and Noah Jupe and Kate Woodward as a Marcus and Mew Abbott. इसके अलावा लियोन रसम ने क्या सही रोल प्ले किया है मैन इन द वुड्स का। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स की। सबसे पहले तो भैया दांत देनी पड़ेगी, मतलब वाह। बेसिकली हॉरर मूवीज में लोग पसंद करते हैं कैरेक्टर्स को एकदम डम दिखाना, लाइक इट्स वियर्ड, बट इस मूवी में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लाइक कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाया गया है, लाइक दे नो वॉट टू डू, हाउ टू सर्वाइव। बस ड्यू भैया को छोड़ कर, उन भैया ने जहां प्लेस में आग लगी थी वहां पे गैस लेट ही बॉटल ही उड़ेल थी, मतलब क्यों? लाइक ठीक है, छोटा बच्चा था, खेलने का मन होगा, होता है। अदर देन दैट द कैरेक्टर हैज बॉन्डिंग विद ईच अदर। The father and daughter bond was portrayed really well and all the credit goes to John, the director. बात करें फिल्म के क्लाइमेक्स की तो इट वॉज ऑन पॉइंट। उससे बेहतर आई डोंट थिंक सो और हो सकता था बिकॉज वो बिल्कुल परफेक्ट था। उस क्लाइमेक्स में थ्रिल था, सस्पेंस था, इमोशंस था एंड फियर था। लाइक मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है। Thank you.
लूपहोल्स की बात की जाए तो इस फिल्म में सिर्फ तीन लूपहोल्स है। सबसे पहला कि दे डिडंट शो अस द टाइम एंड द पीरियड ऑफ होल 89 डेज, मतलब जनता वांट्स टू नो कि वो क्रिएचर इतने पूरे टाइम पे कहां था। सेकेंड लूपहोल कि हाउ डिड द क्रिएचर लैंड ऑन द अर्थ एंड वो आया कहां से भैया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द क्रिएचर वॉज डिजाइंड सिमिलर टू द दैट वन ऑफ दैट स्ट्रेंजर थिंग्स क्रिएचर, लाइक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसी से उठा के इस मूवी में डाल दिए। बात करें मूवी की रेटिंग्स की तो भैया IMDb 7.5 से तो ज्यादा की ही थी मूवी। फॉर अस वी वुड से 8.5 आउट ऑफ 10, लाइक मूवी इज रियली गुड। मैं बोल रही हूँ जाओ मूवी को देखो जाके, तुम लोगों को देखनी चाहिए। अगर किसी का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ रहा है ना तो ले लो, या तो भाई लोगों के पास इतने सारे हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि ऐसा है ना भैया बिल्कुल पैसा वसूल मूवी है। अगर देखोगे ना तो लगेगा वाह कुछ अच्छा देखा है। अगर साईफाई हॉरर मूवी के फैन हो ना तो मजा आएगी देखने में, और एक बार देख ली तो फिर सीक्वल भी आ रहा है। मैं बोल रही हूँ देखने के बाद ऐसा लगेगा कि जल्दी 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 सीक्वल है। सो गाइस If you liked our video and want to watch more videos like this, so please go like, share and comment and subscribe. And please don't forget to press the bell icon. Thank you.